आइए मैं पहले तुमन को इस प्यारे से इस बगिया को शुरू करना चाहता हूँ। प्यारी साक्षी, भले ही आपके आंगन की तुलसी हो, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ रानीगंज वालों, आप अखिलेश दादा को सुनना, अजय दादा को सुनना और हम सबको रुचि दीदी को सबको सुनना, लेकिन आप कितना भी जाकर के बाहर बरगद को पूजाएं, लेकिन आंगन की तुलसी को जब तक स्नेह नहीं देंगे, आप उसकी पूजा नहीं करेंगे तो शायद आपकी पूजा सफल नहीं होगी। प्यारी साक्षी, आपके तालियों के सहारे उठेगी और उसके उठते ही आपसे मेरा निवेदन है कि भले ही हम सबको तालियां मत दीजिएगा, लेकिन आपकी तालियां उसको वो ऊर्जा देगी जो शायद उसकी उड़ान भरेगी अगली लंबी तक, और आपका स्नेह उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। प्यारी साक्षी के लिए, और वैसे भी हमारे यहाँ दो पंक्तियां एक बड़े कवि ने कहीं, बुलाइएगा प्यारी साक्षी तिवारी को कि अपने आंगन की तुलसी को सींचने का मजा कुछ और होता है, अपने आंगन की तुलसी को सींचने का मजा कुछ और होता है, और कोका कोला तुम भले पियो पर लस्सी का मजा कुछ और होता है। जोरदार तालियों से साक्षी तिवारी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम। आप सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज पहली बार अपने आंगन में काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहती हूँ कि आप मुझे वही प्यार और दुलार, वही लाड दें तालियों के माध्यम से जो आप मुझे हमेशा दिया करते हैं। मेरे समक्ष सभी मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, मैं सबको पहचान रही हूँ। बच्चा मामा, अरुण सर, मैं सबको पहचान रही हूँ, सबका नाम ले सकती हूँ। अशोक मामा, मैं सबका आशीर्वाद आज चाहती हूँ और आप सभी के माध्यम से इन सभी बड़े कवियों को दिखाना चाहती हूँ कि आप अपने घर की बेटी को कितना प्यार और दुलार करते हैं। मैं पूजा की पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। पंकज मामा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मामी भी कहीं मुझे सुन रही होंगी। आप दोनों के श्री चरणों में पंक्तियां रखती हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ूंगी। स्वागत। प्रभु के मूरत जैसी मेरे मात पिता की सूरत। कभी सम्मेलन यहीं से शुरू हो गया। प्रभु के मूरत जैसी मेरे माता पिता की सूरत है, इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है, इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है। झंझावातों के बेहड़ में सुगम पंथ मिल जाएगा, झंझावातों के बेहड़ में सुगम पंथ मिल जाएगा, हर कर्मों की इनके ही हाथों में। प्रभु के मूरत जैसी में क्या बात है, वाह 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 की सूरत है। तालियां बजाकर एक बार बिटिया को आदेशित करिए। बहुत बहुत भरपूर आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबका ध्यान देख रही हूँ मेरी तरफ। मैं पूजा की पंक्तियों से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। मेरी माँ ने बहुत अच्छी वंदना की, मैं भी कुछ वंदना की पंक्तियाँ माँ के श्री चरणों में रखना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक सर साधिका हूँ माँ तेरी आराधिका हूँ, एक सर साधिका हूँ माँ तेरी आराधिका हूँ, तोतली जबान किंतु अर्चना महान है। एक सर साधिका हूँ माँ तेरी आराधिका हूँ, तोतली जबान किंतु अर्चना महान है। अश्रुपूर्ण है नयन भावपूर्ण है अयन, अश्रुपूर्ण है नयन भावपूर्ण है अयन, कल्पना को शक्ति दे दो व्योम में उड़ान है, कल्पना को शक्ति दे दो व्योम में उड़ान है, और ज्ञान की आहार शारदे तुने न तार आज, ज्ञान की आहार शारदे तुने न तार आज, नाव मज धार बीच हाथ तेरे मन है, नाव मज धार बीच हाथ तेरे मन है, और मूक भी हुए प्रगल्भ हो गई कृपा जो अल्प, मूक भी हुए
प्रगल्भ हो गई कृपा जो अल्प दात्री विधात्री तुझे सर्व भान है। क्या बात है, क्या भाषा है, वाह 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 सच्ची वाह 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 वाह। दात्री विधात्री तुझे सर्व भान है। क्या बात है। और मेरे परिवार के लोग इतना अच्छा छंद सुन रहे हैं तो एक छंद और माँ के चरणों में रखती हूँ। स्वागत है। देखिएगा, मंद गति मंद मति मंद ना होए प्रगति, मंद गति मंद मति मंद ना होए प्रगति, हो कुवृत्ति से निवृत्ति भाव दीजिए मुझे, हो कुवृत्ति से निवृत्ति भाव दीजिए मुझे, और हो सरल चित्त चित्त में हो शुद्ध वृत्ति, कृति हो सुकृति वो स्वभाव दीजिए मुझे, कृति हो सुकृति वो स्वभाव दीजिए मुझे, और नीत के समक्ष हो विनीत शीशमा परंतु नीत के समक्ष हो विनीत शीशमा परंतु जीत हो नीत पर प्रभाव दीजिए मुझे, जीत हो नीत पर प्रभाव दीजिए मुझे, और दीनहीन पथ विहीन मन मलिन लक्ष्यहीन, दीनहीन पथ विहीन मन मलिन लक्ष्यहीन, हीनता जले वही अलाग दीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये सम्मान इस बिटिया का है जो इसके घर में हो रहा है। आपकी तालियां खामोशी उसको खलल डाली, एक बार जोरदार तालियां बजा कर इस बेटी का सम्मान करिए। आदरणीय पंडित, बहुत आपकी तालियां मुझे बहुत ऊर्जा दे रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अपने आंगन में भी इतना प्यार इतना दुलार मिलेगा जैसा देश में मिलता है, लेकिन आप सभी मुझे बहुत ऊर्जा दे रहे हैं और मैं पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ने का भी प्रयास कर रही हूँ। थोड़ी बहुत अव्यवस्था है पीछे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप सबको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, मेरा ध्यान आपकी। बिल्कुल, जो लोग सुनने वाले हैं वो सब बैठे हैं। अभी हमने महाशिवरात्रि का पर्व मनाया और वही ऊर्जा मुझे सब में दिख रही है, मुझ में भी वो ऊर्जा है। भोले के नाम एक छंद समर्पित करती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत है। चलिए, भोले के नाम शिव के नाम एक छंद समर्पित। स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मन से पढ़ो, आप मन से सुन रहे हैं। देखिए, नेत्र लाल लाल और शशि सोहे भालवा पे, भोले के नाम ये छंद है। देखिएगा, उसी ऊर्जा से सुनिएगा जो ऊर्जा भोले हमें दिया करते हैं। क्या बात। नेत्र लाल लाल और शशि सोहे भालवा पे, भिकुटी विशाल हो तो काल के भी काल है। नेत्र लाल लाल और शशि सोहे भालवा पे, भिकुटी विशाल हो तो काल के भी काल है। भस्म रंगे अंग ग्रीव पालते भुजंग भूत, प्रेत रहे संग घूमते त्रिकाल है। सोहे भालवा पे भ्रिकुटी विशाल वो तो काल के भी काल है। भस्म रंगे अंग ग्रीव पालते भुजंग भूत, प्रेत रहे संग शंभु घूमते त्रिकाल है। और जंडा में समाई गंग तब हुई गति मंद, कल कल करती धरा करे निहाल है। कल कल करती धरा करे निहाल है। और भक्त जन रंजन प्रभूत भय भंजन, अनाथ को सनाथ भूतनाथ महाकाल। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत आभार। भगवान राम की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से धीरे धीरे देश में पहचान प्राप्त हो रही है। मैं अपनी परिचय की पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूं, आपका ध्यान चाहती हूं, इस प्रकार आपका आशीर्वाद चाहती हूं। स्वागत है साक्षी, स्वागत। नन्ही सी कलम हूं मैं पर काम बड़ा कर दूं, नन्ही सी कलम हूं मैं पर काम बड़ा कर दूं, आशीष मिले सबका तो नाम बड़ा कर दूं। बहुत अच्छा। आशीष मिले सबका तो नाम बड़ा कर दूं, छोटा या बड़ा हमको किरदार बनाता है, छोटा या बड़ा हमको किरदार बनाता है। आगाज तो छोटा है अंजाम बड़ा है। क्या बात है। आशीष मिले तो नाम बड़ा कर दूं। और देश की बेटियों के हवाले से मंच पर मेरी मासी और
मम्मी उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। पूछे मात्र शक्ति उपस्थित है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। और देश की बेटियों के हवाले से ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ आप सभी का ध्यान। स्वागत है साक्षी। मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी। क्या बात है। मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी, सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी, सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी, झुकने ना कभी दूंगी, ये शान है हम सबका। झुकने ना कभी दूंगी, ये शान है हम सबका, ये स्वाभिमान अपना दुनिया बहुत अच्छे। मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी, सीमा पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी। बहुत आभार। और ये चार पंक्तियां देखें, इस देश में अत्यधिक जरूरी है देश की एकता, और देश की एकता के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। अजमेर भी प्यारा है, प्यारी मथुरा काशी। क्या बात है। अजमेर भी प्यारा है, प्यारी मथुरा काशी, हम मले तमिल के हो या हो बंगला भाषी, हम मले तमिल के हो या हो बंगला भाषी, पूरब हो या पश्चिम मतभेद नहीं कोई, पूरब हो या पश्चिम मतभेद मुसलमान है, हम है भारतवासी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 बेटा वाह वाह, क्या बात है। मुसलमान है, हम है भारतवासी। वाह 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 भैया, एक बार अच्छे से सेट कर दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। एक बार अच्छे से सेट कर दीजिए, पंकज भैया पूरा पैसा देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और नहीं देंगे अगर पंकज भैया, तुम्हें अखिलेश दादा की जेब से निकाल करके दूंगा। एक बार मेरा निवेदन है कि सेट कर दीजिए, और तब भी अगर नहीं सेट करेंगे तो अखिलेश दादा रात को आपके सपने में आएंगे। बारे भैया धन्य है। हाँ, पास से बोले कि कैसे प्रयास करें। पास से हम लोग अपनी धर्म पत्नी के सामने नहीं बोलते हैं, कैसे माइक से पास जाएंगे। दूर से ही बात करने मजा आता है। ठीक बात, ठीक बात। एक तो सबसे पहले मुझे उठा दिया गया है, ये अव्यवस्थाएं आती रहेंगी, लेकिन मैं बार बार आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, और मैं पुनः प्रयास कर रही हूँ। देखिएगा, चले मैं फिर से जुड़ने का आपसे प्रयास करती हूँ। भारतीय जनमानस के आधार मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, उनके श्री चरणों में से शुरुआत करती हूँ। आप सभी के अंतःकरण में प्रभु श्री राम की छवि देखती हूँ, और श्री राम की पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ। देखिएगा। नहीं चंदन से कम कण कण जहां जन्मे थे रघुनंदन, नहीं चंदन से कम कण कण जहां जन्मे थे रघुनंदन, धरा वो धाम से बढ़कर जहां जन्मे थे रघुनंदन। क्या बात है। नहीं चंदन से कम कण कण जहां जन्मे थे रघुनंदन, धरा वो धाम से बढ़कर जहां जन्मे थे रघुनंदन, विकल विकल धरती को देने ताण पापों से दशानन के, विकल धरती को देने ताण पापों से दशानन के, मनुज तन में अवधपति के यहां जन्मे थे रघुनंदन। वाह 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 वाह, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत, स्वागत। और चार पंक्तियां मेरे राम के नाम, और इसी ऊर्जा से आप सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। लिए अनुपम मनोहर रूप मन में राम बसते हैं। क्या बात है। लिए अनुपम मनोहर रूप मन में राम बसते हैं, वो रसना धन्य है जिस पर वो आठों याम बसते हैं, वो रसना धन्य है जिस पर वो आठों याम बसते हैं, बने बने आदर्श सतपथ सत विचारों
यहाँ बने आदर्श सतपथ सद विचारों संस्कारों के करोड़ों काम के छवि धाम वो निष्काम बसते हैं। और मेरे राम का मंदिर बनना कई सालों से न्यायालय में विलंबित था, विचाराधीन था, अब राम मंदिर बनने वाला है। तो ये चार पंक्तियां भी स्वागत है। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठेंगे, छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठेंगे, लला बनकर महल में अब प्रभु श्री राम बैठेंगे, लला बनकर महल में अब प्रभु श्री राम बैठेंगे, मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए, मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए, वो तारण हार पालन हार प्रभु श्री राम बैठेंगे, वाह 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 वाह, हार पालन हार प्रभु श्री राम बैठेंगे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अब अपने तेवर की बात करती हूँ। स्वागत है। कई बार मंचों पर मुझे कह दिया जाता है कि आप वीर रस क्यों पढ़ती हैं, स्त्री होकर आप वीर रस क्यों पढ़ती हैं, आपको श्रृंगार पढ़ना चाहिए। तो जो उत्तर मैं उनको देती हूँ वो उत्तर आप सभी की ऊर्जा से, आप सभी के हिम्मत से मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। देखिएगा, खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या, क्या बात है, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या, और शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सरकार लिखूं, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सरकार लिखूं क्या, और क्या लिखूंगी बताती हूँ, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी, और रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, ये शाहरुख और सलमान हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करते, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान, भारत माता की, भारत माता की, क्या तेवर है साची, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी, और ये धरती माँ है, ये धरती माँ है, इस संकल्प को लेकर निकलती हूँ, तिरंगा चूम ले आकाश इसका ध्यान रखती हूँ, और मेरी माँ भारती रहती है आठों याम सीने में, मेरी माँ भारती रहती है आठों याम सीने में, मैं बेटी हूँ सुमा की पीर भी ज्यादा समझती हूँ, मैं बेटी हूँ सुमा की पीर भी ज्यादा समझती हूँ, और इसी और शहीदों के नाम चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लगातार लोग आ रहे होंगे और आप सभी उनसे ध्यान न भटके, आप सभी का ध्यान मेरी तरफ चाहती हूँ। राजन मामा उपस्थित हो चुके हैं, उनको विशेष प्रणाम करती हूँ, उनके श्री चरणों में विशेष पंक्तियां। स्वागत है, जोरदार तालियों से आए हुए अतिथियों का स्वागत करिए, स्वागत करती हूँ, अभिवादन, स्वागत स्वागत है साक्षी, पढ़िए। मैं वो पंक्तियां रखती हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी, किसके दम पर किसके बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं रणबांकुरों के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा। स्वागत रवि भैया, आपका विशेष ध्यान। हाँ, स्वागत। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, क्या बात है, शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है, और सदा इसी तेवर की बात, सदा माटी की सेवा में ही जिसका ध्यान होता है, सदा माटी की सेवा में ही जिसका ध्यान होता है, उन्हें ही राम से मतलब वही रहमान होता है, उन्हें ही राम से मतलब वही रहमान होता है, हमारी हमारी
बात है। हमारी पीढ़ियां उस पर हमेशा नाज करती हैं, अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। अमर हो जाता है जो देश पर बलिदान होता है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।